अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज है ईद का थर्ड और लास्ट डे और आज हमारे बकरे की भी कुर्बानी हो जाएगी। मैं नहीं करवाना बकरे को कुर्बान, कल आपने मेरे राजू को कुर्बान करवाया और आज आप बकरे को कुर्बान करवा रहे हो। नहीं करवाना पड़ेगा ना, हमने कुर्बानी के लिए लिया है। और भाई ये बकरा बहुत अच्छा है, छलांगे लगाता है, इतना खेलता है और ये हमें बहुत प्यारा है बकरा। और अल्लाह की राह में वही चीज़ कुर्बान करनी चाहिए जो आपको सबसे प्यारी हो। ये बकरा हमें बहुत प्यारा है भाई, हमारे साथ बहुत खेलता है और बहुत मस्त बकरा है। पक्का ना मुझे एक काऊ का बच्चा दिलाओगे और बकरे भी दिलाओगे? पक्का। वो भाई मुन्ना भी आया, मुन्ने बकरा देख रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मुन्ने को बकरे के ऊपर बिठाते हैं, बिठाओ। ओए 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 ओए, टकरे मार रहा बकरा। चलो ले आओ, ले आओ ले आओ ले आओ। बकरे के लिए स्टिंग भी मंगवा लिया मैंने। बकरे को घर लेके आ गए, बकरा बहुत ज्यादा सैड है, अली भी बहुत ज्यादा सैड हुआ है। और बकरा तो भाई कुछ खा भी नहीं रहा है, ये देखो खा ही नहीं रहा है। खा लो बकरे, नहीं खा रहा। स्टिंग पिला के चेक करते हैं। अरे भाई इसको ख्वाब में नजर आई होंगी छुरियां। ओए स्टिंग पी रहा है भाई, स्टिंग की तरफ आ रहा है। स्टिंग खोलते हैं इसके लिए। ओए स्टिंग पिएगा भाई, स्टिंग पी के इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। जन्नत में इसको बहुत सारी स्टिंगें मिलेंगी, स्टिंग की नहर होगी जन्नत में इसके लिए पूरी। ओए भाई अभी देख रहा, छलांगे भी लगाएगा। मैं बोल रहा हूँ ओली स्टूल के ऊपर चढ़ो, थोड़ी सी छलांगे लगवाएं। आ जाओ यार, मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा सैड है। कहाँ जा रहा है बकरे? आ जा, ये रही स्ट्रिंग। इधर आओ बकरो। दिल नहीं कर रहा भाई, बहुत ज्यादा सैड हुआ हुआ है इसे ना। लगता है बहुत ज्यादा छुरियां नजर आई है, देखो भाग रहा है। आ जा बकरे आ जा, मैं तो बोल रहा हूँ अली तंग नहीं करते इसे, ऐसे ही पिला दो। पिला दो। वो नीचे नहीं गिरा, नीचे गिरा वो भाई, ये पी भी नहीं रहा, वरना ना ये एक ही सांस में आप लोगों को पता है पी जाता है। स्टिंग भी नहीं पी रहा आज, बहुत ज्यादा सैड हुआ हुआ है। एक मिनट पिला के चेक करते हैं, क्या पता मेरे हाथ से पी ले। ये देखो भाई मुंह मोड़ रहा है, पी ले बकरे। पी रहा पी रहा, ओ भाई पी गया पी गया पी गया। मैं तो बोल रहा हूँ छलांगे वलांगे नहीं लगवाते, एक एक राउंड लगवाते हैं बकरे को। आ जा बकरे, वो चल भी नहीं रहा भाई, चल भी नहीं रहा। कहाँ है बुल्ला? पराठा दे, मामा ने स्पेशल पराठा बना के दिया बकरे के लिए। खा ले बकरे, खा ले खा ले। नहीं खा रहा भाई, नहीं खा रहा, बहुत ज्यादा सैड हुआ है। एक राउंड लगवा के ले आओ। अब्दुल्ला बकरे की पोटियां शोटियां साफ कर रहा हूँ और अब्दुल्ला को सवाब मिल रहा है। अब्दुल्ला नाश्ता कर ले, मैं तो बोल रहा हूँ इससे कर ले कर ले। बकरा ना जन्नत में जाके अब्दुल्ला को दुआएं देगा, भाई इसी बंदे ने मेरी पोटियां साफ की, इसने मेरी बहुत खिदमत की है। अली बकरे को घुमा के ले आया, बस अब ना यहाँ पे बकरे की हम कुर्बानी कर देंगे। जन्नत में जाके मुझे भूल मत जाना और मैं ये दुआ भी करना, इंशाल्लाह हम लोग जन्नत में मिलेंगे। कितना क्यूट है ना भाई, खेलता भी था हमारे साथ। बस क्या करें, कुर्बानी तो करनी है हमने बकरे की। मामू आ गए बकरे की कुर्बानी के लिए, क्या हाल है मामू? और अली भाई बकरे से मिलकर रो रहा है। बस 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 अली बस बस, अब ना बकरे की कुर्बानी करवा देते हैं जल्दी से। बाहर हमारे बकरे की कुर्बानी हो रही है और मैं यहाँ रूम में बैठ के एडिटिंग कर रहा हूँ। सुबह 6 बजे से मैं उठा हूँ, सुबह 6 बजे से एडिटिंग कर रहा हूँ। अभी तकरीबन 11:30-12 बज रहा हूँ। अभी तक मैं तकरीबन 6 या 7 दफ़ा व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेक्निकल व्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा है। असल में सीन ऐसा हुआ, कल ना मैंने बकरे की थोड़ी सी कुर्बानी वाली वीडियो दिखा दी थी, उसकी वजह से ना थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। कल वाला व्लॉग भी शो नहीं हो रहा था, कल वाला व्लॉग भी फिर मैंने एक दफ़ा अपलोड किया, उसको डिलीट किया, फिर उसको दोबारा मैंने अपलोड किया, लेकिन फिर भी उसमें इशू आया। तो फिर मैंने YouTube टीम से बात भी की, आज वाले व्लॉग में भी इशू आ रहा है। लेकिन आज वाला व्लॉग मैंने बनाया था 20 या 22 मिनट का, उसको कट कट कर करके ना मैंने तकरीबन 11 या 12 मिनट का कर दिया, इतना छोटा व्लॉग हो गया।
क्योंकि ना कुर्बानी शुरबानी की पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, वो पूरी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा सकते, तो आपको थोड़ी बहुत वीडियो दिखाइए तो आप लोग वही देख के गुजारा कर लेना। इतनी मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, रात को 12 बजे मैं एडिटिंग करके सोया था, सुबह फिर 6 बजे उठ के मैं एडिटिंग करने लग गया, व्लॉग बार बार अपलोड करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। फिर भी मैंने इतनी कोशिश करने के बाद व्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया। आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। लोगों को लगता है कि व्लॉगिंग बहुत आसान है, लेकिन व्लॉगिंग की जो पीछे की लाइफ होती है ना, वो कोई भी नहीं देखता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हर चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, फिर जाके व्लॉगिंग होती है। तो कुछ लोग समझते हैं कि व्लॉगिंग करना बहुत आसान है, और इस वक्त मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है ना मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी बहुत सारे काम करने, बाहर बकरे की कुर्बानी भी हो रही है, गोश्त वोश्त अभी कट करना होगा, फिर बांट के भी आना होगा। तो भाई बस फिलहाल तो गोली शोली खानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मेडिसिन लेके थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। बकरे की कुर्बानी हो गई थी, गोश्त अली और अब्दुल्ला बांट के आ गए थे, और अब मेरे सर का दर्द काफ़ी बेहतर है, खाना भी रेडी हो चुका है। खाने में मामा ने मटन स्टू बनाया, टेस्ट करते हैं भाई, दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ओए होए होए, ओए होए, ओए होए 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 होए, मुंह में पानी आ रहा है। ओए होए 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 होए, चस आ गई। खाना छाना खा के नहा दोगे, रेडी शेडी हो गए, आज हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस घूमने के लिए। पहले हम लोग जाएंगे न्यूघर, न्यूघर से कार शार निकालेंगे और सबको खाना छाना भी खिला देंगे। मामा ने डक्स रैबिट्स के लिए खाना छाना दिया जी, मामा ने डक्स और रैबिट्स के लिए सबके लिए खाना छाना भी दे दिया। चलो पापा, न्यूघर आ गए, कोको डक डायरेक्ट अब्दुल्ला के पास चले गए। कोको रोटी खाती है, हाथ पे कहीं कट्टी ना कर ले। ओए डक ने छीन ली रोटी भाई, डक ने छीन ली, अरे दोनों की लड़ाई हो रही है। ओए कोको मार रही है डक को। ओए कोको खतरनाक है, पैंथर भी हमें बुला रहा है। अली कबूतरों को भी खोल देते हैं। कबूतर आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ। कबूतरों का पानी ना बहुत गंदा हुआ है, कबूतरों का पानी भी चेंज करना है। ओए कबूतरों का पानी चेंज कर देते हैं, डक का भी पानी बहुत गंदा हुआ है, डक का भी पानी शानी चेंज कर देते हैं। पैंथर भी बुला रहा है, पैंथर अली से बहुत ज्यादा डरने लग गया है। अब्दुल्ला पैंथर को भी रोटी छोटी दे। ओ ये देखो अली यार डायरेक्ट बैठ गया। ओए नहीं खाने दो, खाने दो। रैबिट्स को भी रोटी छोटी डाल देते हैं। ओए चेक करते हैं रैबिट के बेबीज कहाँ हैं, कैमरा डालते हैं यहाँ से। ओए वो रे व्हाइट वाला भूरा, ओए लेमो आगे आ रहा, लेमो मार रहा है। ओए ये दो अली, दो ही रैबिट के बेबी हैं, और कहाँ हैं? अभी और कुत्ता नहीं खाएंगे। और आई थिंक इन्होंने ना सुरंग बनाई हुई है, सुरंग के अंदर होंगे। ओए ब्लैक वाला, ये रहा ब्लैक वाला, कहाँ है? लेमो नजर आ रहा है। ओए इन्होंने सुरंग बना ली अली, इतनी बड़ी सुरंग बना ली अंदर तक। ओए ये देखो भाई अंदर सुरंग बना ली इन्होंने। सबको हमने खाना छाना खिला दिया, कबूतरों को हम लोगों ने बंद कर दिया, डक का पानी भी चेंज कर दिया। अब निकलते हैं फटाफट से फार्म हाउस के लिए, पापा हमारा कार में वेट कर रहे हैं। आ जाओ अली, आने दो पापा, आने दो बस। रास्ते से मामू को भी पिक कर लिया। अस्सलाम वालेकुम मामू। साथ साथ हमारे जीप चल रही है, सामने पहाड़ है और सामने सनसेट का क्या व्यू है, मजा आ रहा है। और क्या व्यू है भाई, दिल तो कर रहा है यहीं पे रुक जाए हम लोग। फाइनली हम लोग फार्म हाउस पहुंच गए और यहाँ का व्यू चेक करो। ओए होए होए भाई, साथ ही इतनी बड़ी झील है। अली के उल्टे उल्टे काम, नहीं जाओ अंदर, नीचे सारा जंगल ही जंगल है, क्या बोलते हो चलें जंगल में? डर लग रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा। आ जाओ पापा, चले जाएं नीचे हम लोग। नहीं नहीं नीचे नहीं जाओ, खतरनाक चीज है।
सांप वगैरह हो सकते हैं ना, आ जाओ। सबसे बड़ी जंगली चीज हमारे साथ है मामू, हमें कुछ नहीं होता। अली के काम चेक करो, भाग भाग के छत पे जा रहा है। आराम आराम से जाओ अली, ऊपर से व्यू दिखाते हैं आपको, बड़ा जबरदस्त व्यू आएगा ऊपर से। ओए होए 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 भाई, क्या व्यू है। ऊपर एक और भी छत है। अब्दुल्ला आराम से आना, चेक करो भाई, ऐसा व्यू कभी आपने नहीं देखा होगा। ओए होए होए, क्या मस्त व्यू है। नहीं गिर जाओगे यहाँ से। नहीं गिरता। सारे पहाड़ी पहाड़ है इस साइड, इस साइड झील है। आ जाओ अली, आगे भी जाना है हम लोगों ने, आराम आराम से आना। वो देखो अली का काम चेक करो, कहाँ चढ़ गया, शेड टूट जाएगा। अब्दुल्ला पकड़ ले पकड़ ले। हर जगह मस्तियां करनी है, यहाँ से गिर भी सकते हो देख के। हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ेगा अली को। अब हम लोग आ गए दूसरी साइड, और गाँव से भी बड़ा जबरदस्त व्यू आ रहा है। ओए होए होए, सांप नहीं है नीचे भाई, जंगल ही जंगल है। ओए होए होए, यहाँ पे वाकई सांप होंगे, ऐना कुंडा होंगे, यहाँ पे बहुत खतरनाक खतरनाक सांप होंगे। नीचे बोट भी खड़ी हुई है, बोट राइड कर सकते हैं हम लोग। वो देखो वो रही बोट, लेकिन बोट के लिए ना हम लोगों को इन जंगलों से गुजर के जाना पड़ेगा नीचे। ये देखो बहुत खतरनाक जंगल है नीचे, और बहुत नीचे खड़ी हुई है बोट। हम लोग आ गए फार्म हाउस के एंड, और जहाँ से भाई पूरी झील का व्यू आ रहा है। ओए होए भाई, चेक करो खाली व्यू। और यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। अली इधर आओ, ये देखो स्टेयर्स लगी हुई है, यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। दरवाजा बंद करा हुआ है, जालियां भी लगाई हैं ताकि अली जैसे शरारती बच्चे नीचे ना जा सके। वहां पे पूरा जंगल है, और आवाज सुनो अली, सांप की आवाज आ रही है ना, यहाँ से सांपों की आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ तो बंदर भी है, पांव निकाल के बैठा हुआ है। पांव निकाल के बैठा हुआ था। ओए 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 ओए, अटैक कर दिया भाई। ओए बड़ा खतरनाक बंदर है। ओए 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 भाई, ओए बड़े खतरनाक बंदर है। ये वाला थोड़ा शरीफ लग रहा है। नहीं नहीं अली, हाथ पकड़ लेगा आपका, हाथ छोड़ेगा नहीं। फिर रैबिट्स भी हैं यहाँ पे। ओए 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 भाई, बहुत सारे रैबिट्स हैं, अंदर ही सुरंगें बनाई हुई है रैबिट्स ने। और क्या क्या है यहाँ पे। ओए अली कितना प्यारा मोर है, मेरा हाथ भी अंदर जा सकता है। ये देखो अंदर से दिखाते हैं आपको मोर। ओए मेरा मोबाइल ही अंदर ना रह जाए। ये देखो कितना प्यारा मोर है। ओए निकाल लेते हैं भाई मोबाइल वापस। और क्या क्या है, मोर के बच्चे हैं ये, नजर नहीं आ रहे लेकिन ये भी मोर ही है, पता नहीं क्या है ये। अंदर मोबाइल डालते हैं, साफ नजर आएंगे। ये तो मुझे खतरनाक लग रहा है, अटैक भी कर सकते हैं। और मगरिब की अजानें भी हो गई थी, वहीं पे हम लोगों ने मगरिब की नमाज पढ़ी। अब मोस्टली अंधेरा हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं वापस घर। घर आ गए, हमारे छोटे वाले और बड़े वाले पैरोट्स की फ्रेंडशिप हो गई, एक ही कैज में रह रहे हैं छोटे वाले और बड़े वाले पैरोट्स। बड़े वाले पैरोट्स के लिए ना हम लोगों ने न्यू कैज लेके आना था, लेकिन ईद की वजह से सारी शॉप्स वगैरह बंद है। कल या परसों हम लोग बड़े वाले पैरोट्स के लिए न्यू कैच ले आएंगे, और बड़े वाले पैरोट्स का हमने खाना छाना भी रेडी कर दिया। अली पूरी फरदोश रंज भर गई, दिखाओ। नहीं मैं खिलाऊंगा। खिला दो। इस कैच का ये फायदा है ना कि इसमें से बाहर नहीं निकालना पड़ता हमको। खिला दो खिला दो खिला दो। खाना भी रेडी हो गया। खाने में आज मामा ने मटन ग्रेवी बनाई है, साथ में शामी कबाब बनाया, तो खाते हैं भी फटाफट से रात का खाना। खाना पीना हो गया, इस व्लॉग को करते हैं एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अली भाई, तो गाइस आज जो है ईद का थर्ड डे था, और आज मेरा बकरा कुर्बान हो गया यार, मुझे बहुत ज्यादा
दुख रहा है, क्या करें खैर, अल्लाह कुर्बानी बस कबूल करे। और मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेलता भी था और मेरे साथ गले भी लगा, दो टांगों में खड़ा भी होता था, चलता भी था, बस क्या करें। तो इसलिए को मैं फिर करने लगाऊँ। एंड आई होप कैसे क्लब पसंद आएगा, तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो मस्ट है और बेल आइकन भी दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।